Assalamu alaikum viewers, hope you're doing well. I'm back with another video. Welcome to Expertex. You're watching my channel AWS Tech Expert और मेरा नाम है मोहम्मद सुमानो. सो आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि आपको विदाउट लीगलाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग में मैंने अप्लाई किया था विदाउट लीगलाइजेशन और मुझे उन्होंने डिमांड की डबल ऑथेंटिकेशन और मुझे रिफ्यूजल आया, तो मैं आपको बताऊँगा रिफ्यूजल किस वजह से आया. सो डोंट स्किप एनी पार्ट एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करने से पहले आपको ये कहूँगा जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, विदाउट लीगलाइजेशन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे हॉस्टल के सो आपको रिफ्यूजल ही आएगा. सो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग में अप्लाई किया था तो मुझे रिफ्यूजल आया था और इसका आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा. सो ये रिफ्यूजल था और इसके अंदर रिफ्यूजल में ये लिखा कि आपने डेडलाइन के अंदर अपना डबल ऑथेंटिकेशन लेटर अपलोड नहीं किया. ये साथ आ रहा है एक और स्क्रीनशॉट, इसमें उन्होंने डेडलाइन दी थी और यूनिवर्सिटी वालों ने और उन्होंने कहा था प्रायोरिटी पे आप अपने इस केस अपने सब्जेक्ट को रखें और डेफिनेटली आपका फिर आगे नहीं करेंगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट कर देंगे. सो ये मीन्स टू से बात का मुद्दा ये है कि हमें विदाउट लीगलाइजेशन अप्लाई नहीं करना किसी भी यूनिवर्सिटी में. आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना विदाउट लीगलाइजेशन, आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा और रिफ्यूज़ल आने की वजह से फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होगा. उसके बाद उसी बात कर लेते हैं कि हमारा क्या ये हमने जो अप्लाई किया था विदाउट लीगलाइजेशन क्या हमारा इस ये जो है एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रायोरिटी पे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा. इट्स ऐसा कुछ भी नहीं है. लीगलाइजेशन जिसके डॉक्यूमेंट्स पहले होंगे और जो पहले अप्लाई करेगा उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा. वो नहीं कि जिन्होंने पुराना अप्लाई किया था और नहीं पे, और जिन्होंने पुराना अप्लाई किया था ऑनलाइन जैसे मैंने अप्लाई किया था सो उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से अपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स करवा कर. सो यही था. उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के दो इनटेक होते हैं, एक होता है समर इनटेक विंटर इनटेक. समर इनटेक ही बिल्कुल ख़त्म हो गया तो समर इनटेक जिनके लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ना अप्लाई करें. जिनका विंटर इनटेक में करना चाहते हैं वो अभी मेरी सारी की सारी वीडियोस वॉच करें जाके. ऑस्ट्रिया का फुल सीज़न है, उसमें वेरीफिकेशन की अपॉइंटमेंट, वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वेरीफिकेशन क्या क्या हमें लेके जाना है, वेरीफिकेशन के टाइम, ईच एंड एवरीथिंग. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना.